सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। और ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो है। ये वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताऊँगा जो कि आपका दिल बहला देगा। तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा ब्रांड जो है मिनोक्सिडिल का, वो बहुत ही अच्छा है बियर्ड ग्रोथ के लिए, और आप उसको किस तरह से लगाने से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, प्लस आपको कितना टाइम तक उसको यूज़ करना है, ये सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल्स में आपको बताऊँगा। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो गाइस, एक छोटी सी कहानी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये बात है जनवरी 2021 की बात है। एक यूज़र है मेरा, एक सब्सक्राइबर है, जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया था कि भैया मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हूँ। तो मैंने पूछा कि भाई चलो क्या हुआ, देखते हैं डिप्रेस क्यों हो। तो वो मुझे कुछ नहीं बताया, वो पहले बताया कि भैया मैं बहुत ही डिप्रेस हूँ और मुझे सोल्यूशन चाहिए क्योंकि इसके बिना मैं जी नहीं सकूँगा। तो मैं पूछा कि ठीक है चलो मैं कोशिश करता हूँ, मेरे तरफ से जितना होगा मैं तुमको मदद करूँगा। तो वो लड़के का नाम था अक्षय प्रधान। तो वो अक्षय ने क्या बोला कि वो एक लड़की को प्यार करता था पिछले 2 या 2.5 साल से कुछ, और ये दिसंबर का एंड में वो उसकी जो गर्लफ्रेंड तो नहीं है, वो जो लड़की थी जिसे वो प्यार करता था, उसको जाके प्रपोज कर दिया। तो वो जब जाके उसको प्रपोज किया तो लड़की बोली कि थोड़ा लड़की का जवाब थोड़ा उल्टा था। मतलब लड़की बोली कि अपने शक्ल तो पहले मतलब देख ले, अपने तेरे अभी शक्ल पे दाढ़ी ही नहीं आए हैं तो अभी प्यार कैसे करेगा, पहले अपने शक्ल पे दाढ़ी उगा ले उसके बाद तू प्यार करेगा या फिर उसके बाद आके तू प्रपोज करेगा, ये आंसर था लड़की का। तो वो लड़का ना बहुत ही दुखी हो गया ये सुनने के बाद और बहुत ही डिप्रेस में चला गया। वो जब आपके बोला तो मुझे भी काफ़ी बुरा लगा क्योंकि आजकल बियर्ड इतना ट्रेंडिंग में चला गया है और बियर्ड इतना मतलब मैचो लाइन दिखने के लिए बियर्ड कितना ज़रूरी है, वो कहानी सुनने के बाद मुझे पता चला। तो मैं बोला कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुमको बियर्ड नहीं है तो वो लड़के का जो है वो बियर्ड ही नहीं था, मतलब उसका उम्र कुछ 20 या 21 ईयर्स का था, उसका बियर्ड ही नहीं था। तो मैं बोला कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुमको सीरियसली अगर तुम चाहते हो बियर्ड अपने फेस में तो कुछ प्रोडक्ट्स है उसको यूज़ करो, उसके बाद थोड़ा बहुत तो रिजल्ट तुमको दिखाई देगा। तो उसके बाद मैं उसको मिनोक्सिडिल यूज़ करने के लिए बोला था। तो वो मिनोक्सिडिल पूछा कि कौन सा ब्रांड लूँ क्योंकि मार्केट में तो काफ़ी सारा ब्रांड्स है, मिनटॉप है, मोर एफ है, ब्रिंटॉप है, हेयर फॉर यू, मार्स बाय GHC, ये सब काफ़ी सारे ब्रांड्स है। तो वो टाइम पे मार्स बाय GHC का एक मिनोक्सिडिल ब्रांड जो है नया आया था मार्केट में और उसका रेट भी काफ़ी कम था इन कम्पेयर टू अदर मिनोक्सिडिल ब्रांड्स। तो मैं बोला कि ठीक है भाई तू मार्स बाय GHC का प्रोडक्ट यानी कि मिनोक्सिडिल यूज़ कर ले, और वो यूज़ किया। अभी हो रहा है मतलब 4 से 5 महीना हो गया है, वो टच में है, कभी कभी मुझे मैसेज करता है, और वो मुझे लास्ट वीक मैसेज किया और बोला कि भैया थैंक यू सो मच। तो मैं पूछा क्या हो गया, कोई मतलब वो जो लड़की को प्रपोज किया था वो शायद हाँ कर दी, मैं सोचा कि वही होगा। तो वो बोला नहीं भैया, ये जो आपने ब्रांड बताया था मार्स बाय GHC का मिनोक्सिडिल, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ लास्ट 4-5 मंथ्स से और इसका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला है, अभी मेरा बियर्ड आ गया है और वो जो है वो स्टाइल्स भी कर पा रहा है वो बियर्ड के साथ। तो वो सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं पूछा उसको कितना टाइम यूज़ करते हो, कब कब यूज़ करते हो, तो उसने बोला कि भैया मैं दिन में सिर्फ एक ही बार यूज़ करता हूँ और वो रात को यूज़ करता है, बेसिकली इवनिंग का टाइम में, शाम को सोने से 1-2 घंटा पहले यूज़ कर लेता है वो। और इसको कितना टाइम तक यूज़ करना चाहिए, तो वो बोला कि अभी तो वो 5 महीना शायद हो रहा है उसको यूज़ करके, तो 5 महीना वो यूज़ करने के बाद उसको रिजल्ट दिखाई दिया। और उसको पूछा कि मैं मतलब इचिनेस या फिर इरिटेशन कुछ हो रहा है क्या, तो वो बोला कि नहीं इचिनेस उतना ज़्यादा नहीं है इन कम्पेयर टू मिनटॉप, वो यूज़ कर रहा था पहले, तो मिनटॉप के हिसाब से उतना इचिनेस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, आपका स्किन थोड़ा सा इरिटेट करेगा लेकिन इचिनेस और वो फ्लेक्स वगैरह जो जमा होता है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है ये मार्स बाय GHC से। अगर आप सीरियस हो आपके बियर्ड ग्रोथ के लिए, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बार ये मार्स बाय GHC का मिनोक्सिडिल यूज़ कीजिए और इसमें आपको
रिजल्ट तो दिखाई देगा ही। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको इस तरह का वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस, बाय।